Redmi Note 9 Pro Max में Android 11 के अपडेट के बाद बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी में से एक फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेगा, और साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, Redmi Note 9 Pro Max में कुछ दिन पहले ही Android 11 का अपडेट आया, और उस अपडेट में बहुत सारे नए फीचर आपको देखने को मिले, जिसमें से मुझे एक फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वो है ईस्टर एग का। तो ईस्टर एग के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने फ़ोन में न्यू वाला कंट्रोल सेंटर यूज़ करोगे और फिर जब आप राइट साइड से आप स्वाइप करोगे नीचे, कंट्रोल सेंटर जब नीचे आएगा तो ईस्टर एग जब आप इनेबल कर दोगे तो आपको न्यू वाले कंट्रोल सेंटर के नीचे आपको स्मार्ट होम का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपने सारे स्मार्ट होम के डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपका अगर स्मार्ट एसी है और स्मार्ट प्योरीफायर है या बहुत कुछ है, स्मार्ट होम में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट अपने न्यू कंट्रोल सेंटर से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो इस वीडियो में उसी के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना न्यू कंट्रोल सेंटर में ईस्टर एग का फीचर इनेबल कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इनेबल नहीं मिलेगा, इसको आपको इनेबल जाके करना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ Redmi Note 9 Pro Max में ही है, आपके पास Xiaomi के, Poco के या Redmi के कोई और डिवाइस है जिसमें Android 11 का अपडेट आ चुका है तो आप एक बार जाके जरूर चेक करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ट्राई करना, आपको भी ये फीचर जरूर मिला होगा। और साथ में अगर आप न्यू कंट्रोल सेंटर कैसे इनेबल करते हैं ये जानना चाहते हो तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आपको मैं आई कार्ड में वो वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कैसे आप ईस्टर एग का फीचर इनेबल कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन में ईस्टर एग का फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले आना होगा सेटिंग में। आप सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ आपको आना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड्रॉयड वर्ज़न दिखा रहा है 11, साथ में जो मेरा MIUI वर्ज़न है वो है 12.0.1.0, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और जो ये सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है मेरा जून के महीने का। तो अब आपको सिंपली एंड्रॉयड वर्जन जो है यहाँ पे 3-4 बार क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये जो आप सर्कल देख रहे हो इस पर आपको ये 3 बार ऐसे ऐसे करना है, पूरा ले जाना है फिर बैक आना है, पूरा ले जाना है फिर बैक आना है, फिर पूरा ले जाना है बैक आना है, 3 बार आप कर लोगे। देखो यहाँ पे कैट का सिंबल आ गया है और इसका मतलब आपका ईस्टर एग का फीचर इनेबल हो गया है। अब आपको आना है सिंपली फिर बैक, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। ये पहले ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर मिलता था लेकिन एंड्रॉयड 11 के अपडेट में इसको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया है, अब आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर अलग से ही मिलता है। तो इस पर आपको टैप करना है, आप फिर देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू कंट्रोल सेंटर इनेबल करना है। तो यहाँ से आप न्यू कंट्रोल सेंटर इनेबल कर सकते हो, जैसे ये ओल्ड वाला वर्जन है इसमें आपको कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर दोनों एक साथ आता है, और ये न्यू वाला वर्जन है तो आपको ये न्यू वर्जन पहले इनेबल करना है। इस पर आप क्लिक करो, बैक आओ, उसके बाद आप देखो यहाँ स्मार्ट होम का आपको दिख रहा है ऑप्शन, आपको स्मार्ट होम पे क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हो कि एंड्रॉयड ईस्टर एग ये फीचर को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अगर आप वो एंड्रॉयड 11 में जाके 3 बार सर्कल को पूरा नहीं करते तो आपको यहाँ पे ये ईस्टर एग का फीचर नहीं मिलता, वो करने से आपको यहाँ पे ईस्टर एग का फीचर इनेबल हो गया है। तो अब ईस्टर एग का फीचर इनेबल हो गया है, ठीक है, अब आपको बैक आना है। अब आप देख सकते हो जैसे मैं लेफ्ट साइड से स्वाइप कर रहा हूँ नीचे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा सारे, जैसे मैं राइट साइड से नीचे स्वाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना नेट वगैरह वाईफाई सब एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्मार्ट डिवाइस के सारे कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा मी स्मार्ट होम का, अगर आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस है, तो उसके बाद फिर आप यहाँ से वो सब कंट्रोल कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे इनेबल करना, उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। फिर दोस्तों अगर आप ये ईस्टर एग का फीचर बंद करना चाहते हो वापस से तो फिर से आपको सेटिंग में आना है, फिर से आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, एंड्रॉयड वर्जन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप टाइप करोगे, फिर से आपको 2 बार ये सर्कल पूरा करना है, 2 बार आप करोगे देखो यहाँ पे आपको सिंबल आ गया क्रॉस का, तो यहाँ पे ये आपका ईस्टर एग का फीचर बंद हो गया है। जैसे कि मैं नोटिफिकेशन स्लाइड कर रहा हूँ नीचे, देखो आप ईस्टर एग का फीचर बंद हो गया है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।